हेलो एवरीवन, आई एम नवीन। इस वीडियो में मैं आपको लाइक, अनलाइक, लाइकली और अनलाइकली इन तीन चार शब्दों का प्रयोग सिखाता हूँ, किस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं इन्हें। पहला देखो सेंटेंस है, वह मेरे भाई जैसा है। जब हम किसी का कंपैरिजन करें, थोड़ा सा सिमिलियरिटी बताएं, एक जैसा होना बताएं, तो लाइक का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे बनाएंगे, इज लाइक माई ब्रदर। अगर निगेटिव बनाए, वह मेरा भाई जैसा नहीं है, तो हम इसमें अनलाइक का प्रयोग कर देंगे, इज अनलाइक माई ब्रदर। इसी लाइकली अनलाइकली ये बताते हैं पॉसिबिलिटी, संभावना, कोई काम होने वाला है या हो सकता है। तो लाइकली पॉजिटिव में, लाइकली नेगेटिव में प्रूव करेंगे। जैसे कि बारिश हो सकती है या होने वाली है, तो इट इज़ लाइकली टू रेन। अगर इसका नेगेटिव बनाना, बारिश नहीं हो सकती है, नहीं होने वाली है, तो इट इज़ अनलाइकली टू रेन। इस तरह से हम इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं राइटिंग में और स्पीकिंग में भी। काफ़ी जो है ये इफेक्टिव है, आप लोग आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं इनकी मदद से। और मेरी आगे की वीडियोज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल है, मैं और भी वीडियोज़ जो है बनाऊँगा, आप लोग जो है देख